जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस कंसेप्ट को एकदम क्लियरली रूप से समझ लेंगे, क्योंकि यह जो कंसेप्ट होता है ये किस चैप्टर से है? सर, यह है हमारा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम का बहुत सारे बच्चों को लेकर के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, क्योंकि इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो दो तरीका, एक डाटाबेस से कर सकते हैं, दूसरा है कि आप डायग्राम से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डायग्राम का नॉलेज है तब तो आप आसानी से आंसर निकाल ही पाएंगे, लेकिन हम इसमें समझेंगे डायग्राम में किस किस तरीके के पहले किस किस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। और यह कंसेप्ट बिल्कुल आपको, चाहे आप कोई भी वेन डायग्राम के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस प्रश्नों को सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इसमें समझना है पहले क्या दिया गया है, ठीक है। देख लेते हैं, एक स्कूल में एथलेटिक टीम के एक टीम है, एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है और 29 जो है फुटबॉल के टीम में है। अब कहता है अगर 14 हॉकी और बास्केट दोनों ही खेलते हैं, 14 ऐसे बच्चे हैं जो कि हॉकी और बास्केट दोनों खेलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि 12 जो है फुटबॉल और बास्केट, 12 ऐसे बच्चे हैं कि फुटबॉल और बास्केट भी खेलते हैं। अब कहा गया है कि 15 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 और ऐसे बच्चे हैं जो कि हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। अब 8 जो है 8 ऐसे छात्र हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल के केवल फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे एक टीम था क्या, एथलेटिक, ठीक है। इसमें तीन खेल हैं, कौन कौन से? सर, पहला है हमारा यहाँ पे बास्केटबॉल, फिर है एक फुटबॉल और तीसरा है हॉकी। तो हम लोग जो डब्बे बनाएंगे कितने बनाएंगे, 3 डब्बे बनाएंगे। लेकिन सर, हम लोग कॉमन कैसे करेंगे, कैसे डब्बे को सर कॉमन करेंगे? आपको यहाँ से लॉजिक लेना चाहिए। सर, यहाँ पे बताया गया है कि 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको उठाना है ये देखना है कि सभी में कॉमन क्या है, ठीक है। सभी में जो सर कॉमन है वो 8 है, 8 तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि सर अगर हम लोग डब्बे की बात करेंगे, सर एक डब्बा इस तरीके से रहेगा पहला, उसके बाद सर इसमें अगर दोनों हो गया यहाँ से, क्योंकि दोनों कंबाइन हो गया, उसके बाद जब बात कर रहा है तीनों, यानी कि सर यहाँ से तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 3 डब्बा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कौन सी डाटा को उठाएंगे ये बारे में समझना है, ठीक है। पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर 14 हॉकी और बास्केट दोनों खेलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लगाना काम कर देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, पहले नामांकन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, बास्केटबॉल है, तो मैंने यहाँ पे बी दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फुटबॉल है, तो यहाँ पे मैंने एफ दे दिया। उसके बाद समझिएगा कि लास्ट में हॉकी है, तो मैंने हॉकी दे दिया। अब कौन सा डाटा लेना है, तीनों जो कॉमन था तीनों में, सर तीनों में जो कॉमन था वो 8 था, तो 8 देखो भाई यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है, ये वाले डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये सर तीनों में कॉमन है ये वाले डाटा, तो यहाँ पे मैंने रख लिया 8, ओके है। अब आप किसी भी डाटा को उठा सकते हो, जब ये मैंने रख लिया आप किसी भी डाटा को उठा सकते हो। जैसे यहाँ पे कहा गया क्या, यहाँ पे सर ये कहा गया, अगर मैं पहले दोनों की बात कर लेता हूँ कि 14 जो है कि हॉकी और फुटबॉल क्या होते हैं, सॉरी 14 जो है हॉकी और बास्केट खेलते हैं, 14 ऐसे बच्चे हैं कि हॉकी भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। सर 14 ऐसे बच्चे हैं हॉकी भी खेलते हैं और सर क्या खेलते हैं, फुटबॉल, 14 सॉरी सर बास्केट, 14 ऐसे बच्चे हैं कि हॉकी और बास्केट, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे क्या है, 14 है, ठीक है, इन दोनों में क्या है, 14 है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 8 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, 8 यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आ चुका है तीनों के लिए, तो इसका मतलब है सर मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, सर मुझे यहाँ पे 6 डालना होगा, मुझे यहाँ पे 6 डालना होगा, क्योंकि अब आप देख सकते होंगे कि ये फिगर इसमें भी है, तो ये दोनों के लिए काम कर रहा है, 8 + 6 = 14, तो 14 सर ऐसे बच्चे हो गए हॉकी और बास्केट खेलते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है कि 12 फुटबॉल और बास्केट खेलते हैं, 12 ऐसे बच्चे हैं कि फुटबॉल भी खेलते हैं और बास्केट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं बास्केट भी खेलते हैं 12। सर 8 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम लोग 4 रख लेंगे, सर क्या रख लेंगे, 4, ठीक है। वो हमारा क्या, देखिए अब यहाँ से अगर देखेंगे तो 8 × 4 = 12 हो गया, बास्केट भी आ चुका है, फुटबॉल भी आ चुका है, क्लियर है, ये हमारा क्लियर हो गया। अगला क्या है कि सर 15 हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, 15 ऐसे बच्चे हैं कि हॉकी में भी है और फुटबॉल में भी है,
15 ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी में हैं, फुटबॉल में हैं, तो सर 8 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या हो गया 7, यानी 8 जो था हमारा यहाँ पे क्या था, एक कॉमन पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने डाटा को हिंट कर लिया। अब आप आसानी से छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसे शुरुआत में कहा गया कि 21 जो है सर बास्केटबॉल टीम में है, 21 बच्चे ऐसे हैं जो कि सर बास्केटबॉल के टीम में, भाई यहाँ पे कितना आ चुका है सर, यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया, 8 4 12 12 और 6 कितना हो गया 18, ठीक है, 12 और 6 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे कितना बचा होगा सर 3, कितना बचा होगा 3, ओके है। उसके बाद 29 जो है फुटबॉल टीम में है, 29 ऐसे बच्चे हैं जो कि फुटबॉल के टीम में है, फुटबॉल के टीम कहाँ है भाई सर, यहाँ पे है, 29 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल टीम में है, तो 8 4 12 12 और 7 कितना हो गया 19, यानी बचा कितना 10, ठीक है। उसके बाद अब कहता है 29 फुटबॉल टीम में हो गया, ठीक है, 14 जो है आपका हॉकी और बास्केट, ये सारा का सारा काम यहाँ से निकल के रेडी हो चुका। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक समूह में 21 बास्केटबॉल के टीम में है, 21 बास्केटबॉल के टीम में है क्या, 6 और 3 कितना हो गया 9 9 8 17 17 4 21, ठीक है सर, 29 फुटबॉल के टीम में है सर, 29 ऐसे बच्चे हैं जो सर फुटबॉल के टीम में है, 8 4 12 12 और 7 19 19 और 10 29, ये भी ठीक है सर, 14 ऐसे हैं कि हॉकी और बास्केट खेलते हैं सर, 14 ऐसे बच्चे हैं जो कि सर यहाँ पे हॉकी और बास्केट खेलते हैं, तो 8 + 6 कितना हो गया 14, ठीक है, ये दोनों की बात है, ये 7 अलग है, ध्यान दीजिएगा, 8 + 6 = 14, हॉकी और बास्केट भी खेल रहे हैं। उसके बाद क्या है सर, 12 जो है फुटबॉल और बास्केट खेलते हैं, 12 ऐसे बच्चे हैं कि फुटबॉल और बास्केट, 8 4 12, ये भी क्लियर हो चुका है। अब क्या पूछा गया कि सर 15 जो है हॉकी और फुटबॉल भी खेलते हैं, 15 8 7 15 जो है, ये देख रहे हैं आप, ये हॉकी की फिगर है और ये यहाँ से हमारा फुटबॉल का फिगर है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया 8 तो 3 है, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं ये आपसे पूछा गया, तो केवल कितने फुटबॉल खेल रहे हैं सर 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। अब आपसे चाहे इस प्रश्न में कुछ भी पूछे ना, तो आंसर को आप आसानी से निकाल सकते होंगे। तो भाई मुझे लगता है कि अब आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो कैसा लगा यह कंसेप्ट, अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट बनता है तो आप लोग क्या करेंगे दोस्त, इस वीडियो को जो है दोबारा से आप लोग देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे शुरुआत से, तो कंप्लीट कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जय हिंद।